हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश का पार्ट टू, बेसिक ऑफ प्रेजेंट टेंस। और आज हम प्रेजेंट टेंस को पूरी तरह समझेंगे और हम इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। एक्चुअली प्रेजेंट टेंस होता क्या है, आज इस कंसेप्ट को हम लोग पूरा करेंगे और आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं या ये कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी आप जानेंगे। और एग्ज़ाम में जो फिल इन दी ब्लैंक्स आते हैं उनको आप समझ पाएंगे कि कौन सी वर्ब इसमें सुटेबल होगी। और अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप इसको बिना सोचे बोल भी पाएंगे। आपको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा, जब आप बोल रहे होंगे तो सोचना नहीं पड़ेगा। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फ्लुएंसी स्ट्रांग हो जाएगी एंड विदाउट थिंकिंग यू कैन एबल टू स्पीक। तो चलिए, मैं पार्ट टू आज दे रहा हूँ। तो पार्ट टू शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा लिंक करूंगा आपको पार्ट वन से, क्योंकि पार्ट वन को ही मैं आगे डील कर रहा हूं और उसको ही मैं आगे ले जा रहा हूं पार्ट वन को। तो बहुत ही ब्रीफली एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो वर्ब होता है ना, पूरा गेम इस वर्ब का होता है टेंस को पढ़ने में या इंग्लिश को समझने में। और इस वर्ब को देख करके ही हम ये बता पाते हैं कि कौन से टेंस में वर्ब है। और ये जो वर्ब है इसका सीधा सा संबंध टाइम से है। मैं इस पर जोर दे रहा हूं, इस पर जोर मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपको इस चीज को बेहद तरीके से पकड़नी है, इस वर्ब के मूड को अगर आप समझ गए तो फिर आप काफी कुछ इंग्लिश में समझ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो वर्ब है ये टेंस को तो रिफर करती है, तो वर्ब की जो फॉर्म होती है वो टेंस को रिफर करती है। फॉर्म ऑफ वर्ब जो है टेंस को रिफर करती है। और कौन सी वर्ब हम यूज करें कौन सी वर्ब नहीं यूज करें ये आपको डिसाइड करता है कि आप किस टाइम में होने वाले एक्शन की बात कर रहे हैं। यानी कि ये जो एक्शन है ये एक्शन किस टाइम में हो रहा है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है। तो मैंने इसलिए फर्स्ट पार्ट में ये बताया था कि जो टाइम होता है ये फोर टाइप का होता है, क्योंकि एक्शन टाइम ऑफ एक्शन हो सकता है, वर्ब आपको ये भी बताएगी टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन। ये मेन मुद्दा था मेरा फर्स्ट पार्ट में, आज हम थोड़ा इसी को लीड करेंगे। तो ये जो टाइम ऑफ एक्शन या स्टेट ऑफ एक्शन है ये फोर टाइप का होता है। तो ये जो टाइम है ये फोर टाइप का होता है। तो जो पहला टाइप होता है उसे आप नाइदर कंप्लीट नॉर इनकम्प्लीट कहेंगे और इसको हम लोग इंडिफिनिट के नाम से जानते हैं। दूसरा इनकम्प्लीट
इसे हम कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। दूसरा कंप्लीट और चौथा है पार्टली कंप्लीट। एंड पार्टली इनकम्प्लीट। इसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं, इसको हम परफेक्ट के नाम से जानते हैं। और मैं इन दोनों को लिंक करूंगा, इनडेफिनिट को इससे लिंक करूंगा, इनकम्प्लीट को भी लिंक करूंगा, तो मैं एक एक लेकर के लिंक करूंगा। तो एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूं आपको, टेंस पढ़ने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए और कंपटीशन में जो भी पूछा जा रहा है उसको आप बेहतर समझ करके आंसर करने के लिए, मैं बताना चाहता हूं कि आप इन टाइम को समझें। तो अगर इन टाइम को आप समझेंगे तो अब आपका जो एक्शन है ये इनमें से किस कैटेगरी में आता है। तो जिस कैटेगरी में आपका एक्शन आएगा, एक्शन का जो भी टाइम होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको वो वर्ब यूज करनी है। तो आज मैं आपको जो भी बात करने वाला हूँ वो नंबर वन नाइदर कंप्लीट नार इनकम्प्लीट को मैं डील करने वाला हूं। इसको आप इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। अब इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं तो अब इंडेफिनिट को हम इस तरह से समझ रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे समझेंगे तो आपको इंडेफिनिट समझ में आएगा। इंडेफिनिट का मतलब है विच इज नॉट डेफिनेट। तो ऐसा एक्शन जिसका जो डेफिनेट नहीं है, एक्शन विच इज नॉट डेफिनेट, डेफिनेट नहीं है। तो जब एक्शन डेफिनेट नहीं है तो फिर हमको क्या करना होगा, इनडेफिनिट वर्ब यूज करनी होगी। चूंकि जो फर्स्ट नंबर है उसको हम इनडेफिनिट इसीलिए कहते हैं चूंकि इसमें इनडेफिनिट वर्ब यूज करते हैं। इनडेफिनिट वर्ब क्यों यूज करते हैं, चूंकि हम ये बताना चाहते हैं कि जिस भी एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो डेफिनेट है ही नहीं, तो उसे हम उस एक्शन को इनडेफिनिट वर्ब यूज करके बताते हैं। तो जब इंडेफिनिट वर्ब यूज करके बताते हैं तो जो वर्ब के फॉर्म होते हैं वो वर्ब के फॉर्म थ्री होते हैं। तो जो वर्ब के फॉर्म थ्री होते हैं, एक होता है प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा पास्ट फॉर्म, तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वही इंडेफिनिट फॉर्म होता है और इसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि यह इंग्लिश की ओरिजिनल वर्ब होती है और उसी को हम बेस फॉर्म कहते हैं, उसी वर्ब से ही आगे की फॉर्म बनती है। तो उसमें भी रेगुलर इरेगुलर इस टाइप में होता है, तो उस पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ इतना समझना चाह रहे हैं कि जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो ही इंडेफिनिट फॉर्म होती है और वही फॉर्म को हम बेस फॉर्म कहते हैं, ये हमको जानना है। तो अगर हम एक वर्ब का उदाहरण लेकर के इसको समझें तो बड़ा सिंपली हम समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी ग्रामर की बुक्स होती हैं उसमें जो ओरिजिनल वर्ब होती हैं उन
उनका जो कालम दिया होता है वो तीन ही होती है, लेकिन पांच कालम बना देते हैं, इसको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है, तो आप वहाँ देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल है, तो कोई एक वर्ब ले लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। आप बड़ी सिंपल वर्ब ले लीजिए, गो ले लीजिए, तो गो का पास्ट वेंट होगा और पार्टिसिपल गन होगा। तो ये जो प्रेजेंट फॉर्म है यही इंडिफिनिट फॉर्म है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इंडिफिनिट फॉर्म है और ये प्रेजेंट फॉर्म है, और जहाँ कहीं भी ओरिजिनल ये वर्ब यूज करी जाएगी वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होगा और उसका जो टाइम होगा वो इंडिफिनिट होगा। हम उस एक्शन के बारे में इंडिफिनिट इसलिए होगा क्योंकि हम उस एक्शन के बारे में कुछ कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो एक्शन ना तो कंप्लीट होता है और ना ही इनकम्प्लीट होता है, ऐसी स्थिति होती है उसकी। तो जब एक्शन ना तो कंप्लीट होता है और ना ही इनकम्प्लीट होता है तो वो इंडिफिनिट होता है। इंडिफिनिट इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास, हम श्योर नहीं होते उसके पास, उसके आगे की कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलती है। तो ऐसे एक्शंस को हम हमेशा प्रेजेंट टेंस से शो करते हैं, और हमने ये बताया कि ये जो बेस फॉर्म है, ये जितनी भी इंग्लिश में बेस फॉर्म होती हैं वो सारी की सारी प्लूरल होती हैं। तो ये जो फॉर्म होती है ये प्लूरल होती है, तो इसको हम सिंगुलर बनाते हैं तो सिंगुलर बनाने के लिए हमको इसमें या तो एस जोड़ना पड़ता है, या तो एस जोड़ना पड़ता है या ई एस जोड़ना पड़ता है। जब भी कभी हम किसी बेस फॉर्म को सिंगुलर बनाते हैं तो या तो एस जोड़ते हैं या ई एस जोड़ते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। तो जब भी कभी हम सिंगुलर बनाते हैं तो हम एस या ई एस जोड़ते हैं। तो अब बात यह आती है कि हम कब एस या ई एस जोड़ें। तो एक रूल है वो जिसमें कि हम ईएस ही लगाते हैं, यानी कि कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनमें हम ईएस ही लगाते हैं। तो उसके लिए हम वर्ब को देखेंगे कि वर्ब के लास्ट में क्या है। तो अगर कोई भी वर्ब है, वर्ब एंडिंग विथ ch, ये याद रखना है, या एस या एस एच या फिर एक्स, यदि कोई भी वर्ब जिसके अंत में या तो सी एच है या केवल एस है या एस एच है या एक्स है, उसके साथ में हम ई एस को प्लस करते हैं, यानी कि ई एस लगाते हैं। इनके साथ तो हमें ई एस लगाना ही लगाना है, ये आपको याद रखना है। अब एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि अगर हमने लिया एक वर्ड है क्विंच, क्विंच एक वर्ड है, अब इसके लास्ट में आया सी एच, तो इसका मतलब इसको जब भी हम सिंगुलर बनाएंगे तो हम इसमें ई एस जोड़ेंगे, तो हो जाएगा क्विंचेज। अब एक वर्ड है टीच, टीच मीन्स पढ़ाना, देखिए टीच के लास्ट में भी ई एस आया, तो इसका मतलब इसमें भी हम ई एस
जोड़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। अब देखते हैं SH को लेते हैं, तो अगर हमने लिखा पुस तो इसका मतलब SH लास्ट में आया, तो हम इसमें लगाएं, इसमें भी ES लगाएंगे और लिखेंगे पुसेस, पुसेस लिखेंगे। X लेते हैं, अगर हम लिखें टैक्स तो हम लिखेंगे टैक्सेस। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और ये कुछ लेटर्स हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे या लर्न कर लेंगे तो ES जोड़ने में गलती नहीं होगी। अभी आप देखेंगे एक वर्ड है ओ, इसमें ओ भी शामिल कर सकते हैं। अगर हम लिखेंगे गो तो हो जाएगा गोज। तो इस तरह से अभी और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये उदाहरण स्वरूप आपको दे रहा हूं। तो इसको आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे लर्न भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा रूल था जिसमें हमें ये पता चला कि हम S या ES किसके साथ जोड़ते हैं, ऐसे कौन से एक्शन वर्ड हैं जो ES को फॉलो करते हैं और ऐसे कौन से हैं जिसमें केवल S लगता है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी और इसके बाद आपको खुद प्रैक्टिस हो जाएगी, खुद आप आदी हो जाएंगे इन चीज़ों को जोड़ने के लिए। अब मैं ये बताऊंगा कि ये जो ES जोड़ते हैं या S जोड़ते हैं इनको सिंगुलर बना देते हैं। तो सिंगुलर हम इसलिए बना देते हैं क्योंकि जो भी सब्जेक्ट होगा अगर वो सिंगुलर नंबर का होगा तो उसके साथ S या ES फॉलो होता है, एग्रीमेंट होता है। तो मैं पार्ट वन में एग्रीमेंट की बात कर चुका हूँ, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है और सभी लैंग्वेज में होता है, केवल इंग्लिश में ही नहीं, सभी जो जितनी भी लैंग्वेज हैं उन सब में सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है। तो यदि एक वचन का कर्चा करता है तो फिर आपको एक वचन की क्रिया ही यूज करनी होगी। तो यदि आपके पास सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो आपको उसके साथ वर्ब ही सिंगुलर देनी होगी। इसीलिए गो प्यूलर है और ही सिंगुलर है। सिंगुलर मीन्स जब केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक ही चीज का बोध होना चाहिए। अगर मोर देन वन थिंग हो जाती है तो फिर वो प्लूरल हो जाता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कि एक का मतलब एक होता है, वन इच ओनली वन, दैट इज सिंगुलर, एंड मोर देन वन मीन्स प्लूरल। तो आपको इसमें ये याद रखना है। तो वन थिंग, वन पर्सन, कुछ भी है, किसी का नाम भी है वो भी सिंगुलर होगा। तो उन सबके साथ में हम सिंगुलर वर्ब को फॉलो कराते हैं या एस या ES वर्ब को फॉलो कराते हैं, ये हमें याद रखना है। तो हम ही गो नहीं लिखेंगे क्योंकि ही सिंगुलर है और गो प्लूरल है, तो ये प्लूरल होने की वजह से इसके साथ नहीं जाएगा, हम ही गोज लिखेंगे। अब ये सिंगुलर हो गया, अब लिखिए, अब आगे कुछ भी आप लिख सकते हैं, ही गोज टू मार्केट, कुछ भी लिख सकते हैं, कैसा भी आप बोल सकते हैं। सी सिंग्स, अगर सी से ज़्यादा है यानी कि वन से ज़्यादा है तो फिर हम उनको दे बोल देंगे, दे सिंग, फिर दे सिंग्स नहीं बोल पाएंगे। इस तरह से हम इनको बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट इसके आगे बताने वाला हूँ, तो अब उसको थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट वन का था, आपको रिवाइज हुआ होगा।
चूंकि इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अब मैं फिर से ये बताने वाला हूँ कि जिसे आप इंडिफिनिट कहते हैं उसको हिंदी में यदि आपने ता है ती है ते है पढ़ा है तो ठीक है, लेकिन वो अब कंपटीशन के फील्ड में अब ये ता है ती है मायने नहीं रखता है, अब एक्शन मायने रखता है और एक्शन का टाइम मायने रखता है, और साथ में कुछ बहुत से ऐसे रूल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि किसके साथ क्या यूज होगा या किस टेंस के साथ प्रेजेंट टेंस यूज होगा, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि कौन सी एक्शंस सदैव प्रेजेंट में रहते हैं यानी कि उनको प्रेजेंट में ही लिखते हैं, तो इन्हीं को हम अभी डिटेल लेंगे। लेकिन इसके पहले मैं ये बता दूं कि जो आपने ता है ती है ते है पढ़ा है इंडिफिनिट है, तो अब आज मैं ये भी बताना चाहूँगा कि केवल है या हूँ या है हूँ, ये जो भी है आता है और हैं, ये दो चीज़ें हैं, तो हैं है हूँ हैं, ये भी इंडिफिनिट ही हैं और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट ही हैं, और इसके पहले अभी हमने जो भी इंडिफिनिट पढ़ा है ये जो भी हमने पढ़ा है ये इंडिफिनिट ही पढ़ा है, तो ये जो प्रेजेंट बेस है ये इंडिफिनिट फॉर्म है, तो जहाँ कहीं भी हम इसको यूज करेंगे वो सेंटेंस इंडिफिनिट में ही होगा। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के संबंध में ही पढ़ रहे हैं, और इसी को ही मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अब हैं हूँ और हैं ये भी इंडिफिनिट ही होता है, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही है। क्यों है? चूंकि जब टाइम को फोर कैटेगरी में बांट रखा है इंग्लिश ग्रामर में, तो फिर कोई भी एक्शन इन चार में से किसी में जाएगा, तो है हूं और है यह भी एक्शन के इंडिफिनिट स्टेट को ही बताती हैं। फर्क इतना है कि अगर ये अकेले यूज होते हैं तो इनके लिए प्रेजेंट फॉर्म बी यूज होती है, और बी का मतलब है ईच आर एम, तो ये जो बी फॉर्म है ये जो बी वर्ब है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट फॉर्म की वर्ब है, और इस वर्ब के का मतलब ईच आर एम भी होता है। तो अब इनके लिए केवल जब है हूँ है आता है तो इनके लिए हम ईच आर एम यूज करते हैं, और ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, ये प्लूरल के लिए यूज होता है, और यह केवल आई के साथ यूज होता है। तो अगर हम कहें कि सी इज अ गर्ल, तो यह इंडिफिनिट टेंस में है, इसको सिंपल प्रेजेंट भी लोग कहते हैं, इसको प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन एक्चुअली जो ग्रामर कहती है वो ये कहती है कि यह भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, और इनके साथ या तो कोई संज्ञा जुड़ी होती है
यानी कि कोई नाउन होती है इनके साथ, या तो कोई नाउन जुड़ी होगी या कोई एडजेक्टिव जुड़ा होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर हमने कहा सी इज ए गर्ल, राम इज ए डॉक्टर, तो ये इंडिफिनिट टेंस में ही है, ये जो वर्ब है इंडिफिनिट टेंस में है, और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है क्योंकि हम प्रेजेंट की बेस फॉर्म को यूज कर रहे हैं। अगर हम इसको नाउन या एग्जेक्टिव के बिना यूज करते हैं तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनके लिए कोई ना कोई नाउन या एग्जेक्टिव इनके साथ होना चाहिए, इनके साथ जुड़ा होना चाहिए, और बिना नाउन एग्जेक्टिव जोड़ करके तो आप बोल भी नहीं पाओगे, इसलिए इसको आप सीधे से समझो। तो इसका ये एक दूसरा पहलू है, ता है, ती है, ते है वाला वो एक पहलू है, हूँ, है वाला ये दूसरा पहलू है। जैसे ट्रीज आर ग्रीन, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल हो गई। तो ये इसका दूसरा पहलू था, ये भी इंडिफिनिट टाइम को या ऐसे एक्शन को शो करती है। अब चूंकि ईज आर एम के साथ तो यहाँ पर नाउन और एडजेक्टिव यूज होगा तो फिर ये कोई भी एक्शन शो नहीं करेंगे चूंकि ये एक्शन वर्ब नहीं है। ये फिर कौन सी वर्ब है, बी वर्ब तो है, अगर हम सीधे बी यूज करते हैं, लेकिन हम तो बी की फॉर्म यूज कर रहे हैं ईज आर एम, तो जब हम ईज आर एम यूज करते हैं तो ये जो वर्ब होती है ये वास्तव में एक्शन वर्ब नहीं होती है, फिर भी ये इंडिफिनिट टेंस में होती हैं और इनको हम लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, और ये सिर्फ काम करती हैं सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने का काम करती हैं। देखिए इसको हम लिंक करके देखते हैं, चूँकि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, तो आपको यहाँ ये समझना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब में ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है। तो अगर ये वर्ब है, एक्शन वर्ड है, तो सब्जेक्ट ही इसका डूअर होगा, और ये डूअर होगा तो फिर ये रिसीवर होगा। तो सब्जेक्ट जो भी एक्शन करेगा, यानी कि डूअर जो भी एक्शन करेगा उसको जो भी रिसीव करेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, तो ये ऑब्जेक्ट इसका रिसीवर होगा, ये जो भी रिसीव करेगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा, तब हम एक्शन वर्ड या वर्ब यूज करते हैं, ओरिजिनल वर्ब यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कि राम ईट्स मैंगो, तो राम डूअर है चूंकि एक्शन यही कर रहा है, और ये रिसीवर है तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ चूंकि एक्शन वर्ड है, और ये ऑब्जेक्ट हुआ चूंकि इस एक्शन को ये रिसीव कर रहा है। लेकिन ये स्थिति यहां पर नहीं बन रही है, सी इज अ गर्ल, ये सब्जेक्ट तो है मगर डूअर नहीं है इस वर्ब का, ये जो वर्ब है इसका ये डूअर नहीं है, डूअर नहीं है, और ये जो गर्ल है ये ऑब्जेक्ट नहीं है चूंकि ये रिसीवर नहीं है,
ये रिसीवर नहीं है, तो यहाँ ये डूअर नहीं है लेकिन सब्जेक्ट है। ये इस वर्ब का डूअर नहीं है लेकिन सब्जेक्ट है, और ये चूंकि एक्शन नहीं हो रहा तो यहां रिसीवर कोई नहीं होगा, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये याद रखना है। तो फिर क्या होगा, इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ये एक कंसेप्ट था जो आपको समझना है कि सब्जेक्ट केवल वही नहीं होता जो डूअर होता है, ऐसा आपको नहीं मानना। अगर कोई ज़्यादातर लोग ये कह ये पूछो तो बता देते हैं कि भाई जो किसी कार्य को करता है वो करता होता है, या वर्ब के एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होता है करता होता है, तो ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट दो तरह का हो सकता है, डूअर भी हो सकता है और नॉन डूअर भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये एक पहला कंसेप्ट था और ये एक दूसरा कंसेप्ट है जो आपको समझना है, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी इंग्लिश को समझने में और ग्रामर पोर्शन को, फीलिंग को कंप्लीट करने में आपको एग्ज़ाम वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं आसानी से। तो ऐसी कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। यहाँ पर गर्ल क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पर मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जैसे चलिए इसको लिख करके भी देख लेते हैं, कोई एक और समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ही इज माई फ्रेंड, यहाँ ही सब्जेक्ट तो है लेकिन ये माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। चूंकि रिसीवर नहीं है और ये सब्जेक्ट है लेकिन इसका डूअर नहीं है, जब तक वर्ब का डूअर नहीं होगा तो उसके पास रिसीवर नहीं होगा, तो डूअर ना हो करके भी सब्जेक्ट है। क्यों, चूंकि ये ही कौन है, चूंकि इस सेंटेंस को बोलने वाला तो कोई दूसरा है, वो कहता है ही इज माई फ्रेंड, तो ही कौन है, माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड कौन है, ही है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, माई फ्रेंड इज ही, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिखना गलत नहीं है लेकिन ग्रामेटिकली फिट नहीं है। इस सेंटेंस को ऐसे भी इंग्लिश में लिखा जा सकता है क्योंकि ही का लिंक इससे, इसलिए इस वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहेंगे जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक करती है, क्योंकि ही माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड ही है, ये दोनों एक ही चीज है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जब दोनों सेम चीज है, माई फ्रेंड इज ही। लेकिन ग्रामेटिकली या टेक्निकली वी कैन से, टेक्निकली इट इज नॉट सो फिट फॉर यूजिंग। तो इस वजह से अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये गलत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट लाइक दिस, बट इट इज नॉट टेक्निकली फिट टू राइट। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाऊँगा पार्ट थर्ड में, तो बने रहिए मेरे साथ। और यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, मुझसे आप कुछ सीख पाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे बहुत ताकत मिलती है जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का और कुछ अच्छा खोज करके आपको वीडियो देने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।